माना कि हम नजमा की भाभी ना बन सके, ना सही, उसकी सौतन तो हम बनकर ही रहेंगे। घटिया मजाक सिर्फ तुम जैसी घटिया औरत ही कर सकती है। लेकिन जैमी हम मजाक कर ही नहीं रहे हैं, हम सचमुच में इमरान से निकाह कर रहे हैं। तनवीर बकवास बंद करो और खबरदार आइंदा मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की तो। आपकी फैमिली तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी है जैमी, आप कितने भोले हैं। जैमी कम से कम हमारी बात तो पूरी सुन लीजिए, कहां मैं सबके सामने लेकर जा रहे हैं, हमारी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत के बारे में तो सोचिए। अब हमारी पूरी बात आराम से सुनिए जैमी, ये तो आप जानते ही हैं जैमी कि हमारे पेट में किसी के मोहब्बत की निशानी पल रही, क्या आप ये नहीं जानना चाहते कि इस बच्चे के अब्बू कौन है। इस बच्चे के अब्बू आपकी बहन के शौहर इमरान। झूठ पर झूठ बोलते बोलते तुम इतनी पागल हो गई हो तुम्हें कि तुम्हारे जहन में सच और झूठ का फर्क मिट गया। तुम ख्वाबों में कहानियां बनाती रहती हो, फिर उनको सच मान लेती हो। प्लीज निकल जाओ यहां से। जैमी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार आप सच को कहानी समझने की गलती कर रहे हो। इस बच्चे का बाप इमरान ही है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है ना तो आप उससे पूछ लीजिएगा। ये सच है जैमी कि इस बच्चे का बाप इमरान है। लेकिन मोहब्बत तो सिर्फ हम आपसे करते हैं। अर्ज किया है, तमाम उम्र तेरा इंतजार हमने किया, तेरे इंतजार में न जाने किस किस से प्यार हमने किया। जैमी सच्ची मोहब्बत हम आपसे ही करते हैं, लेकिन क्या करें जैमी, औरत सिर्फ महबूबा नहीं होती, माँ भी होती। अगर महबूबा होती तो इंतजार कर भी सकती थी, लेकिन माँ है ना, उसे तो अपने बच्चे को उसके बाप का नाम दिलाना ही पड़ेगा। नहीं, ओहो, इन सारी बातों में एक चीज तो हम भूल ही गए, हमने ऐसे ही एक कार्ड और बनवाया। एक सेकेंड रुकिए, ये देखिए, इसमें बस हमने दूल्हे की जगह आपका नाम लिख दिया। आपके पास 24 घंटे हैं जैमी, अब ये तय आपको करना है जैमी कि हमारी टोली आपके घर आपकी बीवी बनकर उतरेगी या फिर आपकी बहन के घर उसकी सौतन बनकर। फैसला आपको करना है जैमी। चलिए इसी बात पर मुंह मीठा कर लीजिए, ये लीजिए। नहीं करेंगे? ठीक है, हम ही कर लेते हैं। आपके पास कल तक का वक्त है जैमी, अगर आपका जवाब नहीं आया तो हम इमरान के साथ अपना निकाह पक्का कर लेंगे। चलते हैं।
पास कल तक का वक्त है जामी। अगर आपका जवाब नहीं आया तो हम इमरान के साथ अपना निकाह पक्का कर लेंगे। आया देखो तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज मुझे डॉक्टर को फोन करने दो। आया लिसन, मैं डॉक्टर को फोन करने जा रही हूँ, बहुत हो गया तुम्हारा। नहीं 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 आया प्लीज बस मुझे फिक्र मत करो, तुम समझने की कोशिश करो, तुम ठीक नहीं हो रहे हो। अभी आप भी ना, आयान की तबीयत खराब है शीरीन, और जोया हमसे कुछ छिपा रही है। तुम आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। केयरफुल आराम से आयान, इजी इजी इजी। देखो देखो डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। भाभी हम मयान के कमरे की तरफ जा रहे हैं, मुझे तुमको कुछ दिखाना है, तभी तुम्हें मुझे नहीं जाना है। अरे छोड़ो मैं ही बता देती हूँ, ये है तुम लोगों के हनीमून की बुकिंग। कल तुम लोग हनीमून के लिए जा रहे हो? हाँ मैं इस ट्रिप पर नहीं आ सकता। अम्मी हम हनीमून के लिए नहीं जा रहे हैं। मेरा मतलब है मैं और फरहान। भाई क्यों नहीं जा रही तुम? तुम क्यों नहीं जाओगी? फरहान क्या बात है? अम्मी असल में मेरे पास बहुत सारा काम है, अब लेकिन निकल जा सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। निकल अकेली जाएगी, ये तो मेरे लिए बेहतर है। भाई तुम जाते तो कितना अच्छा होता ना। खैर कोई बात नहीं, निखत तो जा ही रही है। अम्मी अगर फरहान घर पर है तो मैं कैसे जा सकती हूँ? अगर निखत यही मेरे पास रुकने वाली है तो मेरा यहां रुकने का कोई फायदा ही नहीं। ठीक है चलता हूं, ये हुई ना बात। हाय, ये लो तुम्हारी बुकिंग और इसमें सारा सामान है, और कल सुबह सुबह निकलना है तुम लोगों को, ठीक है ना? जी। अमीन फ्लाइट कितने बजे की है? और फ्लाइट फ्लाइट से क्यों जाना, अपनी गाड़ी से चले जाना। हाँ गाड़ी, अम्मी हम इतनी दूर गाड़ी से कैसे जाएंगे? भाई ऐसी भी कौन सा दूर है, पता है एक मर्तबा तुम्हारे अब्बू के साथ गई थी, 4 घंटे में पहुंच गई थी। हाँ 4 घंटे,
लोगों ने ऐसा मुंह क्यों बना रखा है? हाय, पंचमढ़ी है ये कितना दूर? पंचमढ़ी? अम्मी, हम सब लोग तो सोच रहे थे कि हम लंदन जा रहे हैं। अरे सोचो सोचो, सोचने का कौन सा टैक्स लगता है? लंदन ही तो है। हाँ, लगता है तुमने ये कागज सही से देखा नहीं। होटल लंदन? हाँ, पंचमढ़ी का सबसे बड़ा रिसोर्ट है ये, और वहां के दरबार भी ना भूरे बाल वाले होते हैं। हाय, और वहां का पूरा स्टाफ अंग्रेजी बोलता है। तुम लोगों को ना बिल्कुल लंदन ही फील होगा। लंदन? हाँ। चलिए ना, अल्लाह मेरे भाभी, ये आप क्या दिखाने लेके गई थी? इस तरह बहू बेटी की शादीशुदा जिंदगी में झांकना अच्छा लगता है क्या? अरे बस करो। अरे मैं ये दिखाने नहीं लाई थी। ओह भाभी, तो वहां देखने के लिए और था क्या? अल्लाह, अगली बार ना दिखा दूंगी, ठीक है? भाभी देखिए, बुरा मत मानिए, लेकिन लोगों की जिंदगी में इस तरह तांग झांक करना ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, खास करके अपने ही बेटे बहू की जिंदगी में तो कत्ते ही नहीं। सोचिए तो, खामखा वो भी शर्मिंदा होते और हम भी। और सच कहूं भाभी, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अयान और जोया एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो अभी जो देखा वो क्या था? दुश्मनी थी? दोनों काफी करीब आ गए ना। भाभी, अयान और जोया की जिंदगी में गुजरा हुआ कल था, जो कुछ भी था, अब लगता है दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। निकाह चाहे जैसी भी हालत में हुआ, ऐसा लगता है जैसे अब उन दोनों के बीच मोहब्बत का एक रिश्ता कायम हो रहा है। हमें तो खुश होना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाभी, मैं बहुत खुश हूं। आपका वहम गलत था भाभी। हाय भाभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूं। उस घुंघरू के बारे में सोच रही हो ना, और कुछ समझ नहीं पा रही हो कि अरान, ये सच है कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं समझ नहीं पा रही हूं, और मैं आपसे कोई सवालात भी नहीं करना चाहती। बस उम्मीद है कि एक सही वक्त आएगा और आप सामने से खुद मुझे सब सच बताएंगे। शुक्रिया निकत, तुम्हारा इतना कहना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे कोई सवाल ना पूछो, क्योंकि सच तुमसे सुना नहीं जाएगा, इस घुंघरू का सच, और ना उसका जिसका ये घुंघरू है।
ये सिर्फ मेरा वहम है या फिर सच? क्या अयान और सोया सच में? नहीं, अब ऐसा और नहीं चलेगा और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप ही से निकाह करूंगा और ये मेरे उस वादे की निशानी है। अयान, पक्का ठीक फील कर रहे हो ना तुम? मच बेटर। बाल सुखा लो, देखो गीले हैं। मच बेटर। मैंने सब कुछ उलट दिया ना, फीलिंग मच बेटर ना। मुझे अब भी लग रहा है कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सुपरमैन नहीं हूं तुम। सोया, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो मैं खुद ही चले जाऊंगा। तुम्हारी वैसे रॉबर्ट, अगर तुम्हारा आईक्यू लेवल टेस्ट करवाया जाए ना, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। रॉबर्ट माइनस में। तुम्हारी ये जो शक्ल है ना, सिर्फ यही इंसानों वाली है। दिमाग से गधे हो तुम। क्या जरूरत थी जूस पीने की तुम्हें? जरूरत थी जोया। आराम। क्योंकि मैं ये जानता था कि मोमानी ने उस जूस में जहर मिलाया है और इसलिए वो ये सब ड्रामे कर रही है टेस्ट करवाने के। और वैसे भी जब उन्होंने टेस्ट की बात की तो तुम झांसी की रानी बन के कूद पड़ी बीच में। तुम्हें कैसे पीने देता मैं वो जूस? अगर वैसा नहीं करता मैं तो फिर सबको पता चल जाता कि उस जूस में जहर है और इसका इल्जाम सीधा तुम पे आता। सोया, और यही चीज तुम मुमानी चाहती थी। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता था कि उसमें कुछ है, फिर भी तुमने पी लिया, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई भी कैसा भी इल्जाम लगाए। सोया, क्या फर्क पड़ता है? मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम जा रही हो, अब तक गई नहीं हो। तुम जब तक यहां हो मेरे घर में, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। सोया, आई ओ इट टू यू, आई ओ इट टू भाईजान। रॉबर्ट, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से तो मुझे इतने अच्छे लगते। अब देखना, मेरा के सामने जम के तारीफें करूंगी, तुम्हारी हीरो बना दूंगी। थैंक यू सो मच रॉबर्ट, मेरे चिराग के जिन। मैना, हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मैंने देख लिया यहाँ क्या हो रहा था। क्या हो रहा था मैना? गलत समझ रही। प्लीज, प्यार अंधा होता है, प्यार करने वाले नहीं। मैंने अपने आंखों से देखा यहाँ क्या हो रहा था। जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। और खुदा के लिए झूठ मत बोलिए। हो मेरा, तुम गलत आपका खुश रहिए।